वस्तु अपराजिता का पौधा अपने अद्भुत नाम से ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यह पौधा फूल से लेकर जड़ तक लाभकारी है। इसके फूल का उपयोग रोजमर्रा के जीवन में किया जाता है। कई देशों में इस फूल के पंखुड़ियों का उपयोग खाने की चीजों में प्राकृतिक रंग के तौर पर किया जाता है, जबकि इसके अन्य भागों का इस्तेमाल पारंपरिक या हर्बल दवा के तौर पर किया जाता है। तो आइए जानते हैं अपराजिता पौधे के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर एक, मूत्रवर्धक के रूप में। एशिया में लोग इसका व्यापक तौर पर उपयोग करते हैं। अपराजिता का इस्तेमाल मूत्रवर्धक के रूप में घरेलू उपचार के तौर पर किया जाता है। इसलिए यदि आपको किसी भी प्रकार की पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस फूल का उपयोग जरूर करें। नंबर दो, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखें। अपने बैक्टीरिया रोधी गुणों के कारण यह फूल फूड पॉइजनिंग दूर करने में लाभकारी साबित होता है। इसके अलावा यह पाचन संबंधी अन्य दिक्कतें भी दूर करता है, लेकिन इसके उपयोग से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नंबर तीन, डिमेंशिया में लाभदायक है। पशुओं पर किए गए कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि अपराजिता के सेवन से चूहों की याददाश्त बढ़ी, इसलिए संभव है कि यह डिमेंशिया के इलाज में फायदेमंद है। नंबर चार, सिरदर्द दूर करें। यदि आपको अक्सर सिरदर्द की शिकायत रहती है तो अपराजिता के सेवन के बारे में जरूर सोचें। सिरदर्द आम बीमारी बन गई है। ऐसे में आप बार बार सिरदर्द के लिए पेन किलर का उपयोग नहीं कर सकते। जरूरत से ज्यादा दवाओं का उपयोग सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपराजिता सिरदर्द का घरेलू उपचार होता है। नंबर पाँच, अस्थमा दूर करें। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अस्थमा के इलाज में अपराजिता असरदार साबित होता है। इसके अलावा आप इसका उपयोग सामान्य सर्दी खांसी के उपचार के लिए भी कर सकते हैं। इससे श्वसन अंगों में जलन जैसी मामूली दिक्कतें भी दूर होती हैं। नंबर छह, डिप्रेशन दूर करें। डिप्रेशन से निपटना जटिल होता है, लेकिन गौरतलब है अपराजिता का सेवन इस समस्या को और बढ़ने या रोकने में कम करने में मदद करता है। नंबर सात, नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखें। शरीर के मेटाबॉलिज्म में नर्वस सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और अपराजिता में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नर्वस सिस्टम को दुरुस्त करते हैं। दूसरे अर्थों में यह फूल मस्तिष्क के लिए भी बहुत फायदेमंद है। नंबर आठ, अनियमित मासिक धर्म से छुटकारा दिलाएं। एशियाई देशों में महिलाओं को अमूमन पता होता है कि अपराजिता अनियमित मासिक धर्म का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा यह खूबसूरत फूल महिलाओं में प्रजनन संबंधी कुछ समस्याओं से निपटने में भी मदद करता है। नंबर नौ, डायबिटीज में उपयोगी है। अपराजिता के स्वास्थ्य लाभों में डायबिटीज को नियंत्रित करना भी शामिल है। यह फूल डायबिटीज से पीड़ित लोगों में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। नंबर 10, दिल की बीमारियों से राहत दिलाएं। दिल का दौरा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या से निपटने में भी अपराजिता भरोसेमंद घरेलू उपचार साबित होता है। अपराजिता के बीज और जड़ का अर्क ट्राइग्लिसराइड को कम करने में सहायक होते हैं। इसकी जड़ भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होती है।